हेलो दोस्तों, लाइव इंडिया फूड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डोली की टपरी के बारे में। तो हम बात करेंगे डोली का जन्म कहां हुआ, डोली चाय बनाने वाले की खासियत, और इसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भारत के ये यूनिक चाय वाले के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकें। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्रिएटिव इंडिया, क्रिएटिव भारत के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चल सके। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं डोली चाय वाले के बारे में। दोस्तों, आपको पता है डोली चाय वाले का जन्म नागपुर के एक छोटे से गाँव में हुआ और उसने अपनी स्कूल की शिक्षा को भी वहीं पूरा किया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण डोली ने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ा और चाय बनाने के बारे में सोचा और चाय बेचना शुरू किया। शुरू में उसकी टपरी पर रश नहीं था और वह कुछ महीने बाद एक सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे अपने काम को बढ़ाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपने स्टाइल को क्यों ना चेंज किया जाए, जिसमें उन्होंने अपना हेयर स्टाइल, चाय बनाने का तरीका, चाय देने का तरीका, चाय कप में पाने का तरीका और लोगों को पैसे वापस देने का तरीका इसमें चेंजिंग की और साथ में सिगरेट को भी जलाने के तरीके को एक नया स्टाइल दिया, जिसे लोगों ने काफी पसंद करना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूबर्स दुनिया भर में घूमते हैं और आपको जगह जगह की खासियत के बारे में बताते हैं, ऐसे ही एक यूट्यूबर डोली की टपरी के पास थे। उन्होंने देखा डोली का चाय बनाने का अंदाज और उसकी वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद तो दोस्तों, डोली की तो किस्मत ही चमक उठी। उस वीडियो को लोगों ने पसंद किया, जिससे वह वीडियो तेजी से वायरल होने लगी और देखते ही देखते डोली फेमस होने लगा। आज के समय में जब भी आप डोली की टपरी पर जाएंगे, वहां आपको रश हमेशा दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डोली की नेटवर्थ की, कि डोली की वर्थ क्या है, डोली की इनकम क्या है। दोस्तों, डोली हर दिन 2,000 से 3,000 रुपए कमाता है, मतलब 90,000 रुपए महीना। और इसकी नेट पर देखें तो इसकी घर की आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर चुकी है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत एक क्रिएटिविटी देश है, भारत एक जुगाड़ का देश है और यहाँ पे लोग क्रिएटिविटी तो हर चीज में भूल ही लेते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि डोली की टपरी, यह एक फेमस नागपुर का चाय वाला है। आप भी कभी डोली की टपरी पर जाएं, इसका स्टाइल देखें और हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस टपरी का स्टाइल कैसा लगा। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने चैनल में फेमस फूड वालों की जीवनी के बारे में भी हम आपको समय समय पर बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव इंडिया फूड में। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप विश्व भर की जानकारी ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।